सो फ्रेंड्स, जितने पावरफुल मार्वल यूनिवर्स के सुपर हीरोज या फिर सुपर विलन्स है उतने ही पावरफुल डीसी यूनिवर्स से भी बिलोंग करते हैं। और आज के वीडियो में हम डीसी यूनिवर्स में से वन ऑफ द गॉड लेवल कैरेक्टर की ओरिजिन वीडियो पे बात करने वाले हैं। सो हे गाइस, सुपर इंपो चैनल से मैं हूं अभिषेक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलिन बेलॉक के ओरिजिन स्टोरी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स फाइनली जंप इनटू इट। सो फ्रेंड्स, एलिन बेलॉक का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था लूसिफर कॉमिक इशू 4 में। एलिन बेलॉक माइकल डिमार्कस द सक्सेसर थ्रोन ऑफ हेवन की बेटी है। एलिन को एक स्टोरी आर्क में इस तरह से इंट्रोड्यूस कराया गया था जहां पर वो अपने फ्रेंड मोना की मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इस स्टोरी आर्क के दौरान हमें बताया जाता है कि एलिन अपने आप में ही गॉड्स से बात कर सकती थी एंड साथ ही साथ वो मैजिक को भी यूज एंड मैनिपुलेट कर सकती थी। लेटर आगे कॉमिक में एलिन फाइनली पता लगा लेती है कि आखिर उसकी फ्रेंड मोना के पीछे किस मर्डरर का हाथ है, और वो मर्डरर और कोई नहीं बल्कि उसी स्कूल का हेडमास्टर होता है। बट इससे पहले कि एलिन उस तक पहुंच सके, वो हेडमास्टर एलिना को ही ट्रैप कर लेता है। अब फ्रेंड, इस सिचुएशन में ट्रैप होते ही एलिन खुद को ही दोषी मानने लगती है और फिर फाइनली वो हेल्प के लिए चिल्लाती है, जिसकी मदद से अब यहाँ पर लूसिफर मॉर्निंग स्टार का अटेंशन एलिन के ऊपर पड़ता है। एंड फ्रेंड्स, अगर अब यहाँ पर हम डीसी यूनिवर्स को लिटिल बिट साइड में रखें तो लूसिफर इस कैरेक्टर का जिक्र सिर्फ डीसी यूनिवर्स में ही नहीं है बल्कि कई सारे माइथोलॉजीज में भी यहाँ पर लूसिफर का जिक्र होता है, जो रूलर है हेल का। बट वेल, अब यहाँ पर माइथोलॉजीज की बात को तो हम साइड में रखते हैं और फाइनली वापस से बात करते हैं इस स्टोरी लाइन पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि लूसिफर का ध्यान यहाँ पर एलिन के ऊपर पड़ता है और वैसे ही वो एलिन की मदद के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। एंड बाद में लेटर आगे चल के कॉमिक में वो वहाँ पर उस हेडमास्टर को भी सबक सिखाता है। एंड लेटर आगे चल के एलिन बेलॉक अपने ग्रैंडफादर की भी पावर्स को एब्जॉर्व करती है एंड फाइनली अब डीसी यूनिवर्स के अंदर वो एक ट्रू गॉड बन जाती है। एंड बस इसके आगे कुछ भी और नहीं बताया गया है कॉमिक बुक में, क्योंकि मैक्सिमम जहाँ तक मैंने रिसर्च की है इस कैरेक्टर का जिक्र या फिर मैं कहूँ कि अपीयरेंस सिर्फ 30 टाइम्स ही हुआ है पूरे कॉमिक बुक वर्ल्ड के अंदर। बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैरेक्टर कमज़ोर है। हाँ, भले ही ये कैरेक्टर अंडररेटेड हो सकता है, लेकिन कमज़ोर तो बिल्कुल भी नहीं है। और फ्रेंड्स, फाइनली चलिए इसी बात को लेके हम इस कैरेक्टर की पावर्स एंड एबिलिटीज पर भी बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एलिन बेलॉक की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो इस कैरेक्टर की पावर मात्र 4 वर्ड्स में ही डिस्क्राइब हो सकती है, और वो 4 वर्ड्स है कि ये कैरेक्टर ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंस है एंड ओमनीसाइंस है। यानी कि इस कैरेक्टर के पास ऑल यूनिवर्स का नॉलेज है, वो हर जगह पर प्रेजेंट है यूनिवर्स के अंदर एंड साथ ही साथ वो ऑल पावरफुल है अमंग द ऑल सुपर हीरोज एंड सुपर विलन एंड ऑल्सो अमंग द गॉड्स इन डीसी यूनिवर्स। एंड इन सब पावर्स के अलावा एज वी नो कि ये कैरेक्टर गॉड है और इसीलिए वो एक एंजल की कैटेगरी में बिलोंग करती है, तो इसीलिए इस कैरेक्टर के पास विंग्स भी है उड़ने के लिए। एंड कॉमिक्स के अलावा, जैसा कि मैंने कहा कि ये कैरेक्टर ने कॉमिक बुक में ही अपनी इतनी कम अपीयरेंस दी है, तो इस कैरेक्टर को हमने किसी और जगह पर तो बिल्कुल भी नहीं देखा है। और जहाँ तक बात रही है यहाँ पर डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की, तो मुझे नहीं लगता कि इतने जल्दी डीसी इस कैरेक्टर को मूवीज के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकता है। बट वेल गाइस, खैर, अब ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन एलिन बेलॉक का कॉमिक बुक से। अब आपको ये ओरिजिन वीडियो देख के कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं। एंड साथ ही साथ अगर आप कौन से और सुपर हीरोज या फिर सुपर विलन की ओरिजिन वीडियोस को भी देखना चाहते हैं या फिर एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उस कैरेक्टर का नाम कमेंट सेक्शन में याद से मेंशन कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर दीजिएगा। एंड टिल देन, आप यहाँ पर डिस्प्लेड कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोज को वॉच कर सकते हैं।